लोन दिलाने वाली कंपनी ने मैनेजर बनाने के नाम पर लिया 1.5 लाख रुपया, अब चरित्र को कर रहे बदनाम। पलमपुर व कानपुर निवासी राजू रहमानी ने आज अपने अधिवक्ता के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता कर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी साझा की है। पत्रकार वार्ता करते हुए पीड़ित राजू ने बताया कि एंड्रोमेंडा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक कमलेश पाठक ने उनसे नौकरी पर लगाने के नाम पर ऑनलाइन 96,600 रुपये और 35,000 रुपये नगद ले रखे हैं। यह कंपनी लोगों को अलग अलग बैंकों से लोन दिलाने का काम करती है। हालांकि कंपनी की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया गया जिसमें उनकी सैलरी 25,000 रुपये प्रतिमाह बताई गई, लेकिन 2 माह से उन्हें कोई रुपया नहीं मिला और अब अपना रुपया वापस मांगने पर कमलेश पाठक उन पर कंपनी की एम्प्लॉय रंगोली सविता के साथ मिलकर उन पर चरित्रहीनता का आरोप लगा रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या मामला है जो आज अपनी बात मीडिया द्वारा जनता तक अधिकारी को पहुँचाने का प्रयास करेंगे? सर, मेरा नाम राजू रहमानी है और मैं परमपुरवे का रहने वाला हूँ। ऐसा कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक बहुत ही फ्रॉड हुआ और जिसके चलते मुझे काफ़ी बदनामी, मार्केट में आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी सब उठानी पड़ी। ये फ्रॉड में कौन व्यक्ति थे जिसने आपके साथ फ्रॉड किया? सर, इसमें सर्वप्रथम जो नाम मैं लेना चाहूँगा कमलेश पाठक, जो मुझसे कुछ समय मतलब कुछ माह पहले मिले थे और उन्होंने मुझसे अपने साथ बिजनेस शुरू करने के लिए बोला और एज आ उस कंपनी में एक SM की पोस्ट यानी सेल्स मैनेजर की पोस्ट भी देनी चाहिए और दिया मुझको ऑफर लेटर के साथ। और उसके कुछ दिनों के बाद वो मेरे खिलाफ़ बैक से सारी साजिश रचते गए मुझे उस ऑफिस से हटाने के लिए, निकालने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे ही करी। जैसे कि सेकेंडरी जो बंदी है उसका नाम है रंगोली सविता, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने अधिवक्ता के द्वारा मुझे फर्जी नोटिस भेजी और मुझे काफ़ी परेशानी हुई। तो हमारे सर बैठे हुए हैं, मैंने इनके सारा पूरी मदद ली, उसका जवाब भी दिया मैंने। और तीसरा बंदा है विकास सोनी, जिसने वहाँ पे पूरी अफवाह फैलाई कि ऑफिस में पुलिस आई है, यहाँ पे पुलिस आई, मतलब हर तरीके से मुझे प्रोपेगेंडा बना के मुझे बदनाम करने की कोशिश की, जिसमें एज अ प्रूफ मेरे पास सारे एविडेंस है सर। और पीछे से कुछ लोगों को बोला गया ऑफिस की लड़कियों को कि आप जाइए और जाके इनके खिलाफ कंप्लेन करिए, जाके झूठी शिकायत दर्ज करिए। और मेरे पास भी सारे ऐसे एविडेंस हैं, जैसे मैंने जो ऑनलाइन पैसा दिया है और जो मेरे पास ऑफर लेटर्स वगैरह रखे हैं और भी सारी चीज़ें हैं, जितनी मुझे बदनामी, मानसिक, आर्थिक हर तरीके की परेशानी हो रही है सर मुझे। तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कमलेश पाठक, उसके 2 साथी रंगोली सविता और विकास सोनी है सर। मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है उसमें कुछ पैसे का भी लेन देन है? जी सर, बिल्कुल है, जिसमें मैंने 96,000 के समथिंग कुछ पैसा मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, 35 से 40,000 रुपये जो है मैंने उनको कैश दिया हुआ था, प्लस मेरी 2 माह की सैलरी जो 50,000 रुपये बनती है सर। ये सारा पैसा ना देने की वजह से उन्होंने मुझको इस तरीके से मेरे साथ ये प्रोपेगेंडा बना के मेरी पूरी इमेज मार्केट में ख़राब कर दी सर। जिस कंपनी से आप जुड़े थे कि वो कंपनी काम क्या करती थी? सर, हमारा एक फाइनेंशियली वर्क है जिसमें आपकी कम से कम 18 बैंक जो है टाई अप हैं, जिसमें हमारा पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन, ये सारी चीज़ें होती हैं सर। तो हमारा काम होता है कि कस्टमरों को सर्विस देना, उसके भी आप में हमारा कंपनी से पे आउट और सैलरी वगैरह जो भी सब आते हैं। कमलेश पाठक ने कुछ ऐसा अपने बंदों के, कस्टमरों के पैसे भी हमारे अकाउंट में मंगवाए और उसके बाद उनसे भी प्रेशर करवा रहा है और उनसे भी नोटिस की धमकियां और सारी चीज़ें और झूठी अफवाहें तो इतनी फैला रखी हैं मेरे बारे में कि मैं 6 लाख रुपये लेके भागा हूँ ऑफिस से, मैं 1 लाख रुपये लेके भागा हूँ, लैपटॉप लेके भागा हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं सर, जिससे मेरे करेक्टर पर, मेरे मान सम्मान पर हर तरह से नुकसान हुआ है मुझे सर। तो आप लोग के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा सर कि मैंने इसकी कंप्लेन ऑलरेडी पुलिस आयुक्त को भी दे रखी है, ठीक है, और आपसे बढ़िया आजकल के माध्यम से मैं नहीं समझता कि इसके ज़्यादा आवाज़ कहीं पहुंचाई जा सकती है। कमिश्नर कानपुर पुलिस कमिश्नर ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दे दिया जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। मुझे जानकारी मिली है आपका जो विरोधी पार्टी, उन्होंने भी आपको क्रॉस मुकदमा कर रखा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर, ये सिर्फ बताया ना एक अफवाह है। अगर ये इतनी सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो मेरे पास कहीं से तो एक कॉल आनी चाहिए थी ना सर, कहीं से कोई कॉल, कोई नोटिस कुछ तो आना चाहिए था। बाकी आपको हमारे अधिवक्ता खुद बताएंगे कि सारा मसला क्या है सर। अपना सर पहले अपना परिचय दें सर। मैं एडवोकेट उत्तम चंद गौतम, मेरे द्वारा कमलेश पाठक जी को एक नोटिस, लीगल नोटिस भेजी गई। उस लीगल नोटिस में जो पूरा वाक्य है वो सब लेन देन का है। इन लोगों ने आपस में एक तय किया कि हम लोग एक ऑफिस खोलेंगे। ऑफिस में ये कहा गया कि इतने रुपये आप हमको दो और जो है फिर हम आपको वापस कर देंगे। और उन्होंने अलग अलग डेटों में अलग अलग
तरीकों से उन्होंने करीब 96,000 रुपये ऑनलाइन कैश किया और करीब 35,000 के आसपास इन्होंने नगद लिया और 50,000 रुपये इनका जो था पेमेंट जो उन्होंने ऑफर लेटर में दे रखा था 2 महीने का था वो ऑलरेडी इसमें रिकॉर्ड है और उसके द्वारा मैंने उनको नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद उन्होंने जब नोटिस रिसीव भी कर लिया लेकिन जब समय के अनुसार उन्होंने अपना नोटिस का जवाब आठ दिन तक नहीं दिया, इससे ये साबित होता है कि उन्होंने पैसे का पूरा लेन देन किया है। अगर उनको कोई लेन देन नहीं होता तो वो उसका नोटिस का जवाब देते कि मैंने मेरे साथ गलत हुआ, ये नोटिस गलत है या कुछ भी है। आठ दिन तक कोई भी नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया रहमानी जी को, ना ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से हमें इसको प्रेषित किया गया है कि हाँ अधिवक्ता को ही नोटिस का जवाब दिया जाए। और उस जब कोई नोटिस नहीं जवाब दिया, आप वो जो है उनको तरह तरह से धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको ऐसा कर देंगे, जान से मरवा देंगे अगर आप जो पैसा आपने दिया है उसमें। उसके बावजूद पुलिस आयुक्त को भी रहमानी जी के माध्यम से एक अप्लीकेशन दे दी गई है जिसको आश्वासन दिया गया कि आपकी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी कहीं से कोई भी कॉल नहीं आई है कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही या जांच की जा रही है। जैसे आपने बताया कि जो कमलेश पाठक जी हैं वो किस कंपनी से रिलेटेड हैं, उनका पोस्ट क्या है? जैसा इन्होंने बताया एंड्रोमेडा एक कंपनी है, सेल्स कंपनी, जो कि इनका काम है बैंकों से, जो टाई अप है इनका कई बैंकों से, जो लोन का इनका काम है और ये कलेक्ट्रेट हेड के पद पर ये कार्यरत है वहाँ पर।